कोविड केसेस को देखकर मैं लोगों से सबसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मास्क पहने, दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को टाइम टू टाइम साबुन से अच्छी तरह धोएं। एक और जो क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहूंगी वो ये है कि जो सैनिटाइजेशन है, सैनिटाइजेशन पिछले साल और इस साल में जो सिचुएशन है वो काफी इवॉल्व हुई है। हमें नई चीजें, नई फाइंडिंग्स मेडिकल रिसर्च के बाद जो अब पता चली हैं, उससे सैनिटाइजेशन का एज सच कोविड पे क्या असर होता है ऐसा कुछ नहीं पाया गया है। तो इनफैक्ट जिन एरियाज में, जो अभी क्राउडेड एरियाज हैं, जो मार्केट्स हैं, वहां हमें क्राउड कम ही रखना चाहिए, हमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना चाहिए। सैनिटाइजेशन से, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, उससे इनफैक्ट लोगों में एक काउंटर प्रोडक्टिव रिएक्शन हो सकता है। जैसा कि आपको हेल्थ ऑफिसर ने भी क्लैरिफाई किया दैट मेडिकली इट कैन हैव एलर्जिक रिएक्शंस एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आल्सो, क्योंकि केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ये फैसला लिया गया है कि जो सैनिटाइजेशन है वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन में किया जाएगा, क्योंकि वहां पे वैसे भी एक तरह से रेगुलेशंस और एक्टिविटीज कंट्रोल्ड है, तो इसीलिए सैनिटाइजेशन वहीं किया जाएगा। मेरी आपसे फिर से सबसे रिक्वेस्ट है कि मास्क पहन के रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। थैंक यू।